नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परिख। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। चुनावी वादे के चक्कर में इंदौर में एक डिवोर्स केस अटक गया है। मामले में राहुल गांधी का भी नाम लिया गया है। क्यों और कैसे, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यह अजीबोगरीब मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां एक छोटे मोटे एक्टर का अपनी बीवी के साथ में डिवोर्स केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एक्टर को अपनी बीवी को बतौर मेंटेनेंस हर महीने 4,500 रुपए देने होंगे। एक्टर के पास पैसे थे नहीं, तो एक्टर ने कोर्ट को बताया कि चुनाव खत्म होने का कोर्ट इंतजार करे, क्योंकि राहुल गांधी ने वादा किया है कि हर महीना 6,000 और सालाना 72,000 रुपए वो लोगों को देगा। इस वादे के हिसाब से यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसके पास हर महीने 6,000 रुपए आएंगे, जिसमें से वो 4,500 रुपए अपनी बीवी को दे देगा। इस तरीके का हलफनामा तक वो कोर्ट में देने को तैयार है। ये पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट ने आगे ढकेल दी है और इसके ऊपर आगे जिरह होगी। है ना कमाल का वाकया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने राहुल गांधी की बात पर विश्वास कर लिया है, अब यह भी पछताएगा और कोर्ट भी पछताएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में चुनाव के दौरान वादों का एक मौसम चलता है। झूठे वादे तो एकदम हाथों हाथ पकड़ा दिए जाते हैं। हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक मंच से, हर एक बैनर में, हर एक पैम्पलेट पर, व्हाट्सएप के मैसेज पे, सब जगह पे सिर्फ झूठ और झूठ ही बिकता है। इस चुनाव के दौरान झूठ बोलने पर पूरी तरह से माफी मिल जाती है। वैसे भारत की जनता देखिए कितनी भोली है कि इन झूठे वादों के चक्कर में वोट दे देती है और उसके बाद नतीजा पाने के 5 साल तक लगातार पछताती रहती है। आइए अब हर चुनाव में सबसे ज्यादा चमकने वाले टॉप 10 उन वादों पर नजर डालते हैं जो हर पार्टी हमेशा देती रहती है। हम गरीबी हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, जनता को बिजली, सड़क और पानी देंगे, मुसलमान, दलित और पिछड़ी जातियों का विकास होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, देश में सुरक्षा बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए आरक्षण भी मिलेगा, मुफ्त में पैसे बांटे जाएंगे, किसानों को उनकी पैदावार की अच्छी कीमत मिलेगी। पिछले 70 सालों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां भारत की जनता को ये वादे दे रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से एक भी वादा आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरा नहीं कर पाई है। गांधी परिवार में तो लगभग सभी कोई प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राहुल गांधी अब खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह के वादे किए हैं। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी परदादे प्रधानमंत्री थे। इतना कुछ और इतनी बड़ी पोस्ट रहने के बाद भी ये परिवार देश की सारी इच्छा और आकांक्षाओं को आज तक पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर हो गया तो वही पुराने घिसे पीटे वादे जो थे वो लोगों को पकड़ा दिए गए। दोस्तों, झूठे वादे करने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, बीजेपी को भी कम मत समझिए। बीजेपी ने भी यही वादा किया था कि हमें आप बहुमत दीजिए, हम राम मंदिर बनाएंगे। आज इस बात को इतने साल हो गए, पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने अब तक मंदिर नहीं बनाया। 15 लाख रुपए तो आज तक लोगों को नहीं बांटे गए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, पीएमके, एडीएमके, शिवसेना और दूसरे न जाने कितने दल हैं, वो सारे के सारे दल अलग अलग किस्म के वादे करती रहती है और ये वादों को वो कभी पूरा नहीं करते। दोस्तों, मुंबई में एक पूर्व कॉरपोरेटर रहते हैं जिनका नाम है निकोलस अल्मेडा। निकोलस हर चुनाव से पहले अपने वादों को एफिडेविट पर लिखकर उसकी कॉपी मोहल्ले में और पूरे के पूरे वार्ड में बांटा करते थे। उनका साफ कहना था कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया जाए। क्यों ना ये अप्रोच पूरे के पूरे कंट्री में लागू किया जाए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर चुनाव में अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।
अब वक्त आ चुका है कि इस डॉक्यूमेंट को लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए। यदि कोई पार्टी अपना चुनाव का मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है तो उसे एफिडेविट पर डिक्लेयर करे, कोर्ट में जाके सबमिट करे, ताकि वो पार्टी सत्ता में आने के बाद यदि अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करता तो वादा खिलाफी के केस के तहत उस पार्टी के अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए और जेल में डाल दिया जाए। ऐसे गलत गलत वादे देकर न सिर्फ वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बल्कि कई बार तो आरक्षण के नाम पर अलग अलग कम्युनिटी के बीच में लड़ाई तक करवा देते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये अपनी जेब भरते हैं और लोगों को एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं। तो इस चुनाव में यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और चुनाव का मैनिफेस्टो दिखाकर कहता है कि हमें वोट दीजिए, तो उस व्यक्ति से साफ बताइए कि आपके पुराने मैनिफेस्टो का क्या हुआ। यदि पुराने मैनिफेस्टो के वादे ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो नए मैनिफेस्टो आखिर निकाले क्यों जा रहे हैं। लगातार न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।